ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए या लॉज ऑफ मोशन को अप्रिशिएट करने के लिए आपको आना चाहिए। देखो क्या पता मम्मा दिस वॉच वॉशिंग मशीन लो इधर बंजी। दिस इज समथिंग विच यू शुड बी नोइंग इन ऑर्डर टू स्टडी व्हाट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ध्यान से सुनना मेरी बात। कंस्ट्रेंट वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो एक वर्ड तुमने कभी सुना हो कंस्ट्रेंट, क्या मतलब होता है कंस्ट्रेंट का? सोच के बताओ। चलो मैं बता देता हूं। रोक के रखना। यस, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। रुकावट का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या मतलब है? रुकावट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी जो बॉडीज होंगी वो चलेंगी, मूव करेंगी, पर उनके मोशन के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी जिसको सेटिस्फाई होना जरूरी है। कुछ कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनका जहां मन आएगा वहां मूव कर जाएंगे। सर्टेन कंडीशंस को उनको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वो जो कंडीशंस आपने उन पे लगा दिए कि भैया ठीक है मूव करो, पर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मूव करो, वही क्या कहलाता है? लॉज ऑफ मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन, क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रेंड मोशन। अब देखो एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो। कंस्ट्रेंड मोशन में जनरली दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे से क्या होंगी बेटा, कनेक्टेड होंगी। दो बॉडीज को आप क्या करोगे, एक एक दूसरे से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। तो अब समझो बेटा, जब दो बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, राइट, जब दो बॉडीज एक दूसरे से क्या हो गई हैं, कनेक्ट कनेक्ट हो गई हैं, तो उस सिनेरियो में उनका मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया है। ऐसा नहीं है वो कैसे भी मूव कर सकते हैं। अभी आप धीरे 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 आप देखोगे इस चीज को, मैं आपको दिखाऊंगा आज के लेक्चर में पूरे कंस्ट्रेंट मोशन में, कि जब दो बॉडीज को अपन एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, राइट, तो बॉडी ए का मोशन किस पे डिपेंडेंट है, बी और सी के, बी पे, और बॉडी बी का मोशन किस पे डिपेंडेंट है, सपोज सी पे, ए पे। मान अगर मैंने दो बॉडी ए और बी को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये बात समझ में आती है? Yes, sir. इसीलिए बेटा इसको इसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज कनेक्टेड बॉडी मोशन। यानी कि दो बॉडीज आपस में क्या है, जुड़ी हुई, कनेक्टेड, कनेक्टेड है बेचारी किसी तरीके से, और उस कनेक्शन की वजह से उनका मोशन एक दूसरे से अफेक्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस। अब देखो अपन लोग इस पूरे चैप्टर में अगर बात करें तो कैसे कैसे बॉडीज कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा मैं आइडिया देता हूं। एक कनेक्शन सिंपल ये होता है कि तुम्हारे पास एक बॉडी है ए, एक दूसरी बॉडी है बी, और आपने उठा के उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया। किससे बांध दिया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से, रस्सी से बांध दिया। बोलो कनेक्टेड है एक दूसरे से कि नहीं कनेक्टेड है? यस सर, यस सर। दूसरा तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका ये होता है कि एक ये दो बॉडीज हैं ए और बी, इनको उठाया और उठा के पुली से टांग दिया। पुली पता है, नहीं पता है पुली? पता है सर। देखो ए और बी आपस में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? है सर। एक तरीका होता है किसके थ्रू कनेक्ट है, बांधा यहाँ पे भी रस्सी से, कनेक्टेड तो रस्सी से ही है, पर इस बार रस्सी किसके थ्रू पास हो रही है, पुली के, पुली के थ्रू पास हो रही है। आर यू क्लियर नॉट? यस सर, यस सर। एक तरीका और हो सकता है जिसमें कनेक्टेड है, जो हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे, वो ये है कि मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है किसी थीटा एंगल का, इसको प्लेन को हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ?
वेज 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 और इस वेज के ऊपर क्या रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट ब्लॉक रखा हुआ है अब देख सोच के बता ऐसा होगा कि नहीं होगा थोड़ा सा फील लेना कि अगर ये ब्लॉक इस तरीके से नीचे आ रहा होगा तो ये वेज इधर इधर की तरफ जा रहा होगा यस सर तो यहाँ पे भी दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं तो इनका मोशन समहाउ किसी ना किसी तरीके से क्या होगा पढ़ना है तो हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसको अपन नाम देंगे पुली कंस्ट्रेंट और इसको अपन क्या नाम देंगे बोलो आपको कंस्ट्रेंट का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि कंस्ट्रेंट का मतलब भैया कि दो बॉडीज एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है दो से ज्यादा भी हो सकती हैं और क्योंकि वो बेचारी एक दूसरे से कनेक्टेड तो वो उनका मोशन फ्री नहीं है एब्सोल्युटली उनका मोशन एक दूसरे पे क्या कर रहा है डिपेंड डिपेंड कैसे कर रहा है आईएफसी का पोस्टमार्टम करना है आपको बोलिए शुरू करें यस सर यस सर ठीक है ध्यान से सुनना समझना सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है किसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट पढ़ना सबसे पहला कंस्ट्रेंट किसका पढ़ना है स्ट्रिंग का स्ट्रिंग का ठीक है जी चलो ध्यान देखो बेटा सपोज ये एक रस्सी है इस तरीके की मानते हो यस सर अब देखो बेटा एक्चुअल में क्या है ना हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो आइडियल फिजिक्स पढ़ते हैं रियल लाइफ फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ते जेई के सिलेबस में रियल लाइफ फिजिक्स जो है वो जेई के सिलेबस से काफी ऊपर की चीज है आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें चीजें जनरली कैसी मानी जाती हैं आइडियल कंडीशंस अब जैसे एक रस्सी है अगर एक रस्सी है तो हम जो रस्सी मानते हैं वो कैसी रस्सी होती है बेटा आइडियल स्ट्रिंग होती है आइडियल का क्या मतलब होता है सर आइडियल का मतलब होता है कि आप ऐसा मानेंगे कि रस्सी कैसी है मासलेस मासलेस कोई भी मास नहीं है इसमें दूसरी चीज आप मानेंगे ये रस्सी कैसी है फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन मौजूद नहीं कहीं पे और जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट है वो है ये पढ़ो ध्यान से inextensible what do you understand by the meaning inextensible kitna bhi lamba ho sakta hai inextensible ka matlab ye nahi kitna bhi lamba ho sakta hai for is a constant inextensible ka matlab jise aap kheench ke lamba nahi kar sakte chahe tum kuch bhi kar lo uski length ko change nahi hona nahi kar sakte reality mein imagine karo reality mein apna uttar ko main rassi du koi bhi rassi du reality mein तो ऐसा पॉसिबल होता है ना कि आप उसे हल्का सा खींच सकते हो उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो बोलो हाँ है ना हाँ सर ऐसी कोई भी चीज जिसकी लेंथ अपन अल्टर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में इलास्टिक बोलते हैं क्या बोलते हैं इलास्टिक बोलते हैं बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है आती है कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छा लेकिन यहाँ पे बेटा एक चीज दिमाग में रखना कि आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए आप इसको क्या नहीं कर सकते खींच नहीं सकते तो इनएक्सटेंसिबल का सिंपल सा क्या मतलब हो गया है हमें लिख दूं अगर तो कि इस रस्सी की जो लेंथ है वो क्या रहनी चाहिए कांस्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पेन है तुम्हारा पेन देख रहे हो हाँ सर उस पेन को खींच सकते हो क्या तुम पकड़ के नहीं सर तो इनएक्सटेंसिबल हो गया अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड सर च्युइंगम देखा है च्युइंगम हां सर च्युइंगम को खींच सकते हैं पकड़ के यस सर तो वो इनएक्सटेंसिबल कहलाएगा
नहीं सर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। यस सर। ऑल्सो अनलेस स्पेसिफाइड, यानी कि जब तक वो आपसे अलग से बता ना दे, तब तक जब तक कुछ नहीं दिया होता है तब तक रस्सी कैसी मानी जाती है बेटा? इनएक्सटेंसिबल, आइडियल मानी जाती है। अगर क्वेश्चन में उसे आपसे रस्सी का मास यूज कराना होगा तो वो आपको रस्सी का मास देगा, फ्रिक्शन यूज कराना होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू देगा। क्या तुमको मेरी बात चमकी नहीं चमकी? चमकी सर। चलो बेटा ध्यान से सुनो कि क्या इस पे अपन कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो मैं इस रस्सी पे दो तीन पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। इस पॉइंट का नाम बी। और इस पॉइंट का नाम सी। अब आप सोच के मुझे बताइए, ये चीज आपको फील करनी है, ये फील हो गई तो जिंदगी सफल हो जाएगी। मान लो ये रस्सी पकड़ के ऐसे करके थोड़ी सी किधर खींच दी मैंने, ए की तरफ, आगे की तरफ खींच दी, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरा जो पॉइंट ए है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे आ गया है? एक्स एक्स एक्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, मानते सर। आप में से कितने लोग को ये बात समझ में आ जाती है बाय डिफॉल्ट कि सर इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कि जो पॉइंट सी है ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक्स ही आगे आ गया होगा? हाँ सर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। और ये जो पॉइंट बी है ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे आ गया होगा? एक्स। एक्स ही आगे आ गया होगा। ये बात समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? समझ पाते हैं सर। इसको इमेजिन कर यार, इसको इमेजिन कर, इसको इमेजिन कर। पेन है तेरे हाथ में? यस सर। तेरे पास एक ही कंडीशन है कि भैया कुछ भी कर लो, इस पेन को कैसे भी चलाओ, लेकिन पेन की लेंथ क्या नहीं होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। आप सोच के देख, पेन का जो आगे वाला पॉइंट है वो मान ले 10 मीटर आगे चला जाए, कितना आगे चला जाए? 10 मीटर। और पेन के पीछे वाला पॉइंट सिर्फ 2 ही मीटर आगे जाए, पॉसिबल है? नो सर। का मतलब क्या है? पेन खींच दिया ना पकड़ के अपन ने, लेंथ बढ़ा दी उसकी, बढ़ा दिया, टूट गया वो। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। अगर आगे वाला पॉइंट 10 मीटर आगे जा रहा है तो पीछे वाले पॉइंट को भी कितना आगे जाना पड़ेगा? 10 मीटर। तो अगर वो दोनों पॉइंट 10-10 मीटर आगे बढ़ेंगे तो लेंथ उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी उसकी? इनफैक्ट सिर्फ आगे और पीछे वाले पॉइंट के लिए वैलिड है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेन का हर पॉइंट अपनी पोजीशन से 10 मीटर आगे बढ़ जाए? सर, पेन का हर पॉइंट अपने जगह से 10 मीटर आगे बढ़े तो पेन पूरा पूरा 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? यस सर, समझ पा रहे हैं। इसको अगर तुम्हें फील करना है तो इसको ऐसे भी फील कर सकते हो बेटा, फील करना चाहते हो अगर तो, कि दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ ट्रेन का डब्बा। ट्रेन देखी है सबने? यस सर। यस सर। अब देखो इधर ध्यान से, अगर ये तुम्हारी ट्रेन है सपोज, तो ऐसा हो सकता है बेटा ट्रेन का आगे वाला डिब्बा 2 किलोमीटर आगे चला जाए, पीछे वाला डिब्बा सिर्फ 10 मीटर आगे जाए? पॉसिबल है? नो सर। क्योंकि ट्रेन की लेंथ क्या और रखनी है, बताओ सोच के? सेम रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। सेम रखनी है। तो अगर ये वाले भैया आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, कितनी दूरी? एक्स। तो ये पिच्छू वाले भी कितना आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी बताओ? एक्स। आई होप थोड़ी बात समझ में आ रही होगी तुम्हें, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो रस्सी का ए पॉइंट अगर x आगे गया है तो b पॉइंट भी कितना आगे गया है? x। c पॉइंट भी कितना आगे गया है? x। x। अच्छा एक मिनट, ये तीनों पॉइंट, वैसे तो तीनों नहीं बोलना चाहिए, सारे ही पॉइंट x आगे गए, मतलब ये सारे पॉइंट सेम बराबर सेम दूरी आगे गए हैं, मानते हो? यस सर। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। तो अगर ये सारे पॉइंट सेम दूरी आगे गए हैं बेटा, तो अलग अलग टाइम में आगे गए कि सेम टाइम में आगे गए? सेम टाइम में। तो अगर सेम टाइम में सेम दूरी आगे गए तो इन सब का डिस्प्लेसमेंट ही सेम है कि इन सब की वेलोसिटी भी सेम होगी? हाँ सर, वेलोसिटी भी सेम। इन सब की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ?
तुम खुद से इमेजिन करो ना यार, आगे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, पीछे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही है। पॉसिबल है ऐसा? साथ साथ चल पाएंगे? नो सर। तभी तो पूरा एक साथ आगे बढ़ पाएगा, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम सेम होगी। क्या ये बात चमक रही है आपको? यस सर। अच्छा सोच के बताइए, अगर एक्सेलरेशन होता इसके पास, अगर कुछ एक्सेलरेशन हो इस रस्सी के पास, तो वो भी हर पॉइंट का क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस यस सर। यस सर। इसका मतलब जो कंडीशन है, जो कंस्ट्रेंट है, जो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, वो ये दैट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर सेम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में लास्ट में लिख रहा हूं, अलोंग द स्ट्रिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब अभी आपको समझाया जाएगा, पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया सर। अरे पढ़ लिया? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात। अब समझ मेरी बात को। मैंने सबसे आखिर में क्या लिखा? मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारे पॉइंट्स का सेम होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में सेम होगा बेटा? अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब समझाते हैं थोड़ा सा, तुम्हें ध्यान से सुनना। मान लो बेटा ये एक रस्सी है। ये क्या है? एक रस्सी। ये रस्सी है। इतनी बात समझ में आती है तुम्हें? यस सर। तो एक बार बताओ, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये ये ये, क्या ये अलोंग द स्ट्रिंग कहलाएगी? यस सर। नो सर। हां जी, ये अलोंग द स्ट्रिंग है? नहीं सर। नो सर। ये अलोंग द स्ट्रिंग है? नहीं सर। पक्की बात है? यस सर। आपको अभी क्या सिखाया गया? रस्सी के हर पॉइंट का क्या सेम होगा? जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। लेकिन अपने को समझना है ना किधर सेम होगा। ये अलोंग द स्ट्रिंग होगी? यस सर। यस सर। अबे ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होगी कि नहीं होगी? जल्दी बता। यस सर। यस। तो एक बात बता, मान लो ये कौन सा पॉइंट है? ए। और ये कौन सा पॉइंट है? बी। ए पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, ए पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, इस तरफ है। बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस सर। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? वी वन। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? वी टू। और एक बच्चे ने लिखा कि सर कंस्ट्रेंट हो गया वी वन बराबर वी टू, क्योंकि सर हमें तो पढ़ा दिया गया था कि रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। सेम होती है। आप बताओ सही बात है गलत बात है? सेंस बन रहा है इसका? नहीं। क्या इससे आपको समझ में आता है? इससे हम लोग कह सकते हैं कि रस्सी की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है? सोचो जल्दी बोलो। नहीं सर। है भैया? नहीं कह सकते सर इससे। पक्की बात है? हां सर। यस सर। रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होने के लिए जरूरी क्या है सर? उसका जो कंपोनेंट बनेगा रस्सी के डायरेक्शन में वो सेम। रस्सी की लेंथ के लिए जरूरी है कि ए पॉइंट जितनी स्पीड से इधर जा रहा हो, ये बी पॉइंट उतनी ही स्पीड से आगे आ रहा हो। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग हुई ना? बोल समझा कि नहीं समझा तेरे को? तो अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है उस इंस्टेंट पे और ये एंगल कितना बन रहा है, जल्दी बताओ। बेटा। तो करेक्ट आंसर होगा वी वन कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू वी टू कॉस बीटा। कॉस बीटा। और ये गलत हो जाएगा। आई होप थोड़ा सा दिमाग खुला हुआ आपको। बोलो बात समझ में आ गई? हां सर समझ में आ गया सर। Along the string का मतलब समझे कि नहीं समझे आप? समझ गए सर। पक्की बात? Yes sir। जल्दी बताओ पक्की बात कि नहीं पक्की बात? पक्की बात। पक्की बात। ठीक है अब सुनते हैं। अच्छा ये बाइक चीज याद रखना अपने दिमाग में, ये V1 V2 इसकी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद इनकी वेलोसिटीज बदल जाएं, एंगल्स भी बदल जाएं, तो हमने किसी इंस्टेंट पे दिखाया है आपको फोटो खींच के। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। चलो बेटा एग्जांपल 1 से शुरू करा जाए। यस सर। यस सर। चल बेटा सोच के बता। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये क्या है? सर्कल। पुली है। पुली है। और कैसी पुली है ये? मूवेबल पुली लग रही है कि फिक्स्ड पुली? फिक्स्ड है। अब आप बोलोगे सर पुली के बारे में तो अभी आपने हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया तो इतना तो पता है पुली है। पुली देखी है सबने कि नहीं देखी है? यस सर। और ये पुली कैसी है? फिक्स्ड। तो बस ऐसा मान लो बस एक फिक्स्ड पुली है, यानी कि ये मूव करने वाली नहीं है। नहीं है। नहीं है। बोलो इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। हां सर। ठीक है। ये तुम्हारी क्या है? स्ट्रिंग। रस्सी है। इस रस्सी से यहाँ से एक मास कनेक्टेड है और यहाँ से भी क्या कनेक्टेड है? एक मास कनेक्टेड। मास कनेक्टेड है। एक काम करता हूँ मैं इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। यहाँ से एक मास कनेक्टेड है और यहाँ से एक और मास कनेक्टेड है। इसका नाम कुछ भी रख दो, M1 नाम रख दो, इसका नाम कितना रख दो जल्दी बताओ? M2। आपसे मैंने कहा ये M1 मास कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? V1 से। और ये M2 मास कितनी वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है? V2 से। V2। इतना समझ में आता है? M1 नीचे आएगा तो M2 को ऊपर आना पड़ेगा। Yes sir। Yes sir। अभी जल्दी बता यार, हाँ कि ना? समझ रहे समझ रहे। Yes sir। सोच के बता क्या कंडीशन, क्या रिलेशन होगा V1 V2 में? Sir V1 equal to minus V2 ऐसा, या तो V2 equal to minus V1। चप्पल पड़ेगी। Sir M1 M2 same है। सिंपल कंडीशन क्या बनेगी? सर पर मैग्नीट्यूड सेम होगा ना खाली? हाँ हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अलग बात है। मैं तो स्पीड जब डायरेक्शन दिखा दी ना मैंने यार ऑलरेडी। हाँ सर, मैं वो वेक्टर में जैसे बोल रहा था वैसे बोल। ये तुमको ये इस बात की फील आती है तुमको कि जितनी स्पीड से M1 नीचे आएगा उतनी ही स्पीड से M2 को किधर आना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा। यस सर समझ। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। यस। बोलो भाई कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आता हो तो मैं समझाता हूँ एक बार, जल्दी बोलो। आ रहा है सर समझ। देखो इधर एक बार फिर भी देख लो, क्या तुमको समझ में आता है? ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, ये डॉटेड लाइन, ये यही डायरेक्शन क्या कहलाएगी? बोलो जल्दी से। अलोंग द स्ट्रिंग। इसी को तो अलोंग स्ट्रिंग बोलेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब एक बात बता बेटा, M1 को देख, सिर्फ किसको देख? M1। मैं दो तरीके से दिखाता हूँ तेरे को, दोनों तरीके से चमकना चाहिए। M1 कितने से नीचे आ रहा है? V1 से। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी V1 से नीचे आएगा? बोलो हाँ। यस सर। ये वाला पॉइंट कितने से नीचे आएगा? V1 से। ये पॉइंट कितने से नीचे आएगा? V1 से। ये कितने से नीचे आएगा? V1 से। ये कितने से इधर आएगा? बोलो V1। ये कितने से इधर जाएगा? बोलो V1 से। तो ये पॉइंट कितने से ऊपर जाएगा? V1 से। और ये कितने से ऊपर जाएगा? V1 से। तो ये पॉइंट भी कितने से ऊपर जाना चाहिए? V1 से। तो V1 बराबर क्या दिख रहा है जल्दी बताइए? V2। क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस आती है। अब इसको बेटा समझ, इसको ध्यान से समझ और फील ले थोड़ी सी और, कि इसको और देखने का क्या तरीका है। अपने पास कंडीशन क्या थी भाई? व्हाट वाज द कंडीशंस? अरे कंडीशन क्या थी सर? V1 इक्वल टू V2। कंडीशन बेटा ये थी अपने पास कि रस्सी की लेंथ क्या होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्या आप सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हो चीज? यस सर। आओ थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और इसको और एक तरीके से फील लेने की कोशिश करते हैं। एक बात बता बेटा, सोच के बता, V1 की कुछ वैल्यू सोच ले अपने दिमाग में, कोई भी एक वैल्यू सोच ले। चल मान ले 5 meter per second, ठीक है। फिजिकली इसका मतलब यही तो है कि ये जो M1 मास यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है
एक सेकंड में ये 5 मीटर नीचे आ जाएगा? यस सर। यस सर। बोलो नहीं मानते हो मेरी बात? मानते हैं सर। एक सेकंड में ये 5 मीटर कितना आ जाएगा? नीचे नीचे। फील करो इस बात को, अगर ये 5 मीटर नीचे आ गया तो क्या तुमको समझ में आता है यहाँ से रस्सी 5 मीटर बढ़ गई? हाँ सर। अबे ये रस्सी 5 मीटर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सोच के था? बढ़ गए सर। बढ़ गए, बढ़ गए। तो अगर बेटा इधर से 5 मीटर बढ़ गई तो दूसरी तरफ से 5 मीटर कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये वाला जो मास है इसको कितना ऊपर आना पड़ेगा बेटा उतना ही समय? 5 मीटर ऊपर। 5 मीटर कुछ चमका कि सब ऊपर से चला गया? चमका सकता है सर। इसको 5 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। 5 मीटर अगर ये ऊपर आएगा तो यहाँ से रस्सी 5 मीटर बढ़ जाएगी या 5 मीटर कम हो जाएगी? सोच के बताइए। 5 मीटर बढ़ जाएगी। हैं? लेफ्ट साइड से कम हो जाएगी। लेफ्ट साइड से रस्सी 5 मीटर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया था शुरुआत वाला ब्लू कलर, वो इनिशियल पोजीशन थी कि नहीं थी? हाँ सर। अब ये देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये रस्सी की कौन सी पोजीशन है? सोच के बताओ। फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यही तो है फाइनल पोजीशन। बोलो बच्चों चमका कि नहीं चमका? चमका। तो क्या लग रहा है राइट साइड से रस्सी कितनी बढ़ा दी आपने? 5 मीटर बढ़ा दी। तो लेफ्ट साइड से कितनी कम कर दी उतने टाइम में? 5 मीटर कम कर। 5 मीटर कम कर दी। आर यू क्लियर और नॉट? यस। जल्दी बताओ यार हाँ कि ना। हाँ। ठीक है क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल टू। चलो आप उसको देखते हैं। ये फ्लोर है। क्या है बेटा? ये फ्लोर है। फ्लोर है और ये ए बॉल, ए वाला ब्लॉक फ्लोर पे नहीं है। ए वाला ब्लॉक किस पे है? सस्पेंडेड है एयर में, हवा में है। बोलो समझ आई कि नहीं आई? यस सर। हां सर। चलो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे ऐसा देखा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? v1। ये तो नीचे आ रहा है और बी पॉइंट किधर जा रहा होगा? ऐसे चल रहा होगा हॉरिजॉन्टली। बोलो हां या ना? Yes, sir. B block की velocity कितनी है? B2। और ये angle कितना है? Theta। सोच के बताओ अपने दिमाग में, ये angle हमेशा theta होगा कि इस instant पे theta है? इस instant पे theta। मैं तुमको हल्का सा feel कराता हूँ, थोड़े से time के बाद ये B block थोड़ा आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ। और थोड़ा आगे आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो तो एंगल सेम रहेगा कि एंगल ये बढ़ चुका होगा थोड़ा सा? बोलो फील कर पा रहे हो? थोड़ा बढ़ गया। तो किसी इंस्टेंट पे ये सिचुएशन है, जल्दी बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलो सोच के बताओ क्या रिलेशन होगा V1 V2 में? सर V1 is equal to V1 is equal to सर जो भी, अरे बात बताओ यार, तुमको सिखाया गया था अलोंग द स्ट्रिंग सिखाया गया था कि नहीं सिखाया गया था? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो तुम तो ये बताओ क्या ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अरे बोल। यस सर। हाँ सर। और क्या ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है? हाँ सर। ये अलोंग द स्ट्रिंग है? नो सर। नो सर। फिर क्या अलोंग द स्ट्रिंग है? रस्सी के अलोंग इसका मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें? क्या ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है? ये वाली? यस। दिस वन इज दिस अलोंग द स्ट्रिंग? इसको अलोंग द स्ट्रिंग बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना? सर V1 इक्वल टू V2 अपॉन cos थीटा आएगा। अरे ये बताओ पहले जो आप पूछ रहे हैं उत्तर बता दो, ये अलोंग है कि नहीं? हां सर है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। और रस्सी की टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए?
क्या होनी चाहिए कॉन्स्टेंट, तो डायरेक्टली समझाए तुमको, बोलो समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? हाँ सर समझ पाते। चलो पहले डायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ जाओ ठीक है, वरना फिर छोटे बच्चों की तरह समझाएंगे। खुद से बताओ, यहां से ये पॉइंट जितना इधर नीचे आएगा रस्सी के इस पॉइंट को, उतना ही इधर ऊपर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, बताओ? यस सर। इन इस डायरेक्शन में दोनों पॉइंट का क्या सेम होना चाहिए, जल्दी बोलिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और क्या? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, सब कुछ सेम होना चाहिए। यही तो अलोंग द स्ट्रिंग हुआ, ये समझे कि नहीं समझे? यस सर, यस सर। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे सर। आई होप इट इज क्लियर। या चलो मैं छोटे बच्चों की तरह दिखा देता हूँ एक बार, जल्दी देखो फटाफट, ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? V1। तो ये कितने से नीचे आएगा? V1। ये V1। ये V1। ये V1। ये V1। अब ये देखो, ये V1 दिख रहा है, ये V1 दिख रहा है? यस सर। तो ये V1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो? अब दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर, दिखा सर। तो आप कुल मिला के क्या बोल सकते हो? कुल मिला के ये बोल सकते हो कि इसका मतलब ये बन जाता है कि जितनी वेलोसिटी से ये इधर आ रहा है, उतनी ही वेलोसिटी से इसको, इस वाले पॉइंट को इस तरफ आना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर। अब तो बेटा वेक्टर वेक्टर खेलना है, तो ये V1 है, इस बी पॉइंट को देखिए, बी पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी बेटा? बोलो। V2 cos theta। वेक्टर सिखाया गया आपको कि नहीं सिखाया गया? सिखाया गया सर। तो क्या कंडीशन अपन बना देंगे? V1 should be equal to V2 cos theta। ऐसे अगर acceleration होता तो उसका relation भी यही बन जाता, A1 बराबर A2 cos theta। Is that understood? Yes sir। पक्की बात है? पक्की बात सर। चलो देखते हैं, एक question करके दिखाओगे? हाँ सर। Just try, okay? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरे लॉज ऑफ मोशन में तुम्हें इन्हीं पुली और रस्सियों से खेलना है, तो इन पुली और रस्सियों का पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से समझ लेना, और जहां भी कोई दिक्कत हो वहीं पूछ लेना। इस फ्लोर पे रखा हुआ है ब्लॉक ए, और इस फ्लोर पे क्या रखा है? ब्लॉक बी। किसी इंस्टेंट पे ये ऐसा है, मतलब किसी इंस्टेंट का मतलब ये हो गया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी पाई जाती है, बताइए? V1। और ये एंगल कितना है? अल्फा। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी पाई जाती है? V2। और ये एंगल कितना है? बीटा। ट्राई टू राइट द कंस्ट्रेंट। सबसे पहले पहचानो कौन सा डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है, फिर उसके अलोंग चीजें बराबर करने की कोशिश करो। सर क्या आप फाइंड करने? कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप बेटा। सर कंस्ट्रेंट ऐसा है क्या? V1 cos alpha = -V2 cos beta। बेटा जब हम कंस्ट्रेंट स्पीड पे बात करेंगे, स्पीड पे डायरेक्शन देखो पहले। हाँ सर। सर तो मैंने स्पीड पे ही तो बोला कंस्ट्रेंट। बताओ भी बच्चों, अलोंग द स्ट्रिंग पहचान लिया तुमने? हाँ सर। तो ठीक है, देखते हैं कितना पहचाना। ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है? नो सर। अलोंग द स्ट्रिंग क्या? अलोंग द स्ट्रिंग क्या ये डायरेक्शन है जो मैं बनाने जा रहा हूँ? सोचो अपने दिमाग में, क्या ये डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है? यस सर। यस सर। बोलो हाँ की ना? हाँ सर। एक बार में सुनना और समझना, जे वाला पॉइंट जितनी स्पीड से इधर खिंच रहा होगा, बताओ इसके खिंचने से क्या लगता है? रस्सी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है या कम बढ़ रही है?
तो इस वाले पॉइंट को उतनी स्पीड से ऊपर आना पड़ेगा, उतनी स्पीड से कम करनी पड़ेगी रस्सी की, नहीं नहीं यही बात सर। अब इधर से जितना खींचेगा उधर से इतने क्या करेगा, खींचेगा कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। इतना चमका तुम सबको फिगर में कि नहीं चमका बेटा? चमका सर, चमका सर। तो बेटा अब तो कॉमन सेंस लगाना है, अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। यस सर। तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ? बी2 cos बीटा। और ये कितना आएगा? v1 cos अल्फा। v1 सर, v1 cos अल्फा। तो ये हो जाएगा v1 cos अल्फा शुड बी इक्वल टू v2 cos बीटा। v2 cos बीटा, दिस इज योर कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ रहा है क्या चल कर कह रहे हैं हम लोग? यस सर। किस डायरेक्शन में हम चीजें बराबर करेंगे? किसी भी डायरेक्शन में बराबर कर देंगे? नहीं सर, अलोंग द स्ट्रिंग। रस्सी के अलोंग बराबर करते हैं। रस्सी के अलोंग का मतलब चमका आपको कि नहीं चमका? चमक गया सर। यस सर। पक्की बात है? पक्की बात सर। चलो बेटा आओ फिर देख ही लेते तुम्हारे अंदर दिमाग कितना है। अब मान लो मैंने तुम्हें पेपर में ऐसा दे दिया, दिस इज एग्जाम्पल 4। Just use your brains. I just want to see how well you can use your brains. ये वॉल है, ये क्या है बेटा? फ्लोर। और इस वॉल और इस फ्लोर पे इस प्रकार से क्या रखा हुआ है? वेज रॉड रखी है। क्या रखी है? रॉड। रॉड, रॉड का ये पॉइंट ए है और रॉड का ये पॉइंट क्या है? बी। खुद से फील करो पॉइंट बी किधर जाएगा सर? अलोंग फ्लोर के अलोंग। फ्लोर के अलोंग जाएगा। और पॉइंट ए किधर जाएगा अगर पॉइंट बी फ्लोर के अलोंग जाएगा तो? वॉल के अलोंग। वॉल के अलोंग। मतलब क्या तो के फील होता है कि जो बी पॉइंट है ये इस तरफ स्लिप करेगा, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी से स्लिप कर रहा है? v2 से स्लिप कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। तो ए पॉइंट किधर स्लिप कर रहा होगा जल्दी बोलो सर? नीचे की तरफ। वॉल के अलोंग। उस इंस्टेंट पे नीचे आ रहा है कितनी वेलोसिटी से? v2 रखा है। इस इंस्टेंट पे ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। क्योंकि सोच के बताओ ये एंगल हमेशा अल्फा ही होगा कि एंगल चेंज हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, छोटा होता रहेगा। थोड़ा सा फील करा देता हूं तुम्हें, थोड़ी देर के बाद ये रॉड कुछ ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो ऐसा फील कर पा रहे हो? हां सर। तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, बोलो चमका नहीं चमका तुमको? चमका सर। चलो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB? कंस्टेंट निकालना, सोचो आराम से, सोच समझ के जवाब देना, बकवास नहीं करना। So VA is equal to VB cos alpha. Yes sir, मुझे भी वही आ रहा है। मुझे भी sir। क्या आ रहा है? Sir VA is equal to VB cos alpha. VA is equal to VB cos alpha. VA is equal to VB cos alpha. Yes sir. Yes sir. Sir, मुझे तो आ रहा VA sin alpha is equal to VB cos alpha.
और सोच लो। हाँ सर, मेरे को तो वही आ रहा है भैया। हाँ, फाइनल आंसर? हाँ सर। यस सर। पर सर मेरे को यस कुछ सर। और आ रहा था, बाकी सबको कुछ और आ रहा था। चलो देखते हैं क्या करते हैं। बेटा एक बात बताओ, रस्सी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती है कि नहीं होती? हाँ सर। हाँ सर। रस्सी क्या होती है? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल होती है। तो रस्सी अगर इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होगी। क्या हम लोग यही सेम चीज एक रॉड के बारे में कह सकते हैं? हाँ सर। भाई रॉड भी तो कैसी होती है, सोच के बताओ। इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल रॉड की लेंथ चेंज हो सकती है क्या? नहीं सर। Rod is exactly like your pen, yes or no? Yes sir. Yes sir. जो आपने रस्सी के लिए पढ़ा था वो अपन रॉड के लिए भी लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या ये डायरेक्शन बेसिकली एक तरीके से अलोंग द रॉड हो गया? बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. इस डायरेक्शन में अपन वेलोसिटीज क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। बोलो कर सकते हो कि नहीं? Yes sir. क्या ये एंगल भी अल्फा होगा? Yes sir. और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा होगा। सबको इतनी बात चमक रही है कि नहीं चमक रही है? चमक रही है। तो क्या कॉ वेलोसिटीज बनेंगी जल्दी देख। बी वाले पॉइंट की क्या वेलोसिटी बनेगी? vb cos अल्फा। vb cos अल्फा। और ए वाले पॉइंट की इधर क्या वेलोसिटी बनेगी? va cos 90 माइनस अल्फा। va cos 90 माइनस अल्फा। और ये दोनों वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। तो ये बनेगा VA cos 90 minus alpha should be equal to VB cos alpha, यानी कि A sin alpha is equal to VB cos alpha. This is the correct answer. Yes sir. बोलो बालको, कुछ समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। आपने अगर गलती करी थी तो आपने कहाँ गलती करी थी समझ में आता है? हाँ जी जल्दी बताओ बेटा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो फिर अब आपको किसका कंस्टेंट पढ़ना है? पूली। पूली का। पुली आप लोगों ने जनरली कहाँ देखी होगी? पुली देखी होगी हिंदी फिल्मों में, देखी होगी कुएं पे लगी होती है, देखी है? Yes, sir. जिसमें बाल्टी होती है कुएं के अंदर, दूसरी तरफ से पकड़ के खींच लेते हैं उसको तो बाल्टी बाहर आ जाती है। देखा है तुमने ये काम? देखा है सर। ठीक है बेटा, इसका एक दूसरा टेक्निकल नाम भी होता है, जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलो बेटा। Atwood machine। क्या बोलते हैं इसको? Atwood machine। Atwood machine।
लेकिन अपने को यहाँ ये सोचना है कि इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा, इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा, कंस्ट्रेंट क्या होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, क्या अपन इसको शुरू कर सकते हैं? यस सर। बोलो यार हाँ कि ना। हाँ सर। ठीक है, एक चीज समझो, सबसे पहले व्हाट इज एन क्या लिखा है? आइडियल पुली। आइडियल पुली। आइडियल पुली येट अगेन कैसी है? मासलेस। दूसरा फ्रिक्शनलेस। अगर पुली आइडियल है तो पुली का कोई मास नहीं कंसीडर किया जाएगा, और क्या नहीं कंसीडर किया जाएगा? फ्रिक्शन। पुली और रस्सी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। राइट, ऑब्वियसली कोई भी पुली जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो आइडियल नहीं होती, उसमें मास भी होता है और फ्रिक्शन भी होता ही होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब सवाल आता है कि पुली का कंस्ट्रेंट है क्या, क्या कंडीशन बनाई जा सकती है? सर आप मूवेबल पुली भी बोल रहे साथ में? हाँ मूवेबल भी बोल रहा हूँ। जरूरी है पुली फिक्स हो गया? नहीं सर, क्योंकि मेरे को लगा फिर मासलेस आप मूवेबल का भी इंक्लूड करके बोल रहे हो। सर सब कुछ इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। कोई भी पुली हो, चाहे वो मासलेस, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो फिक्स्ड हो, बट उसको अपन कैसा कंसीडर करेंगे, मासलेस और फ्रिक्शनलेस? सोच के बताओ बच्चों, क्या ये जरूरी है कि पुली जो होगी अपनी वो फिक्स ही हो? नहीं सर। नहीं सर। क्या मूवेबल पुली भी हो सकती है? यस मूवेबल भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। हां सर। जैसे एक तुम्हें रफ एग्जांपल दे देता हूं मैं, बड़ा सा फील करो। मान लो ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक मास टंगा हुआ है M1, फिर यहां से कहते करके दूसरी पुली कनेक्टेड है, यहां से एक मास टंगा हुआ है M2, और यहां से एक मास टंगा हुआ है कितना? M3। सोच के बताओ क्या कहना चाहते हो इस पुली के बारे में, ये ऊपर वाली पुली कैसी पुली है? Fixed. ये ऊपर वाली पुली फिक्स्ड पुली है कि नहीं है, देख के बताओ। हाँ सर है। क्या ये मूव कर सकती है? नहीं नहीं है। व्हाट अबाउट दिस पुली? मूवेबल है सर। ये वाली पुली सबको दिख रही है, मूवेबल है या फिक्स है? मूवेबल है सर। ये वाली पुली आपकी ऊपर भी जा सकती है और ये वाली पुली किधर जा सकती है? नीचे जा सकती है। नीचे भी जा सकती है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर क्लियर। तो आपको फिक्स और मूवेबल का मतलब समझ में आ गया? यस। तो कोई भी पुली हो उसको अपन कैसा मान के चल रहे हैं, मासलेस और frictionless. Is that clear to you? Yes. Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है। अब क्या इसका constraint बनेगा वो देख। तो एक काम करो बेटा, मान लो ये पुली है। क्या है ये? पुली। पुली। इस पुली के इस तरफ एक मास टंगा है, इसको क्या बोल दिया मैंने? ए। और इसके इस तरफ क्या टंगा हुआ है? एक दूसरा मास भी मास टंगा हुआ है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। हां सर आती। चल मान ले ये पुली खुद भी कैसी पुली है ये बता। मूवेबल, यानी कि खुद भी क्या कर सकती है? चल सकती है, मूव कर सकती है। क्या तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये पुली मूव कर रही है, आराम से सोच समझ के बताना इस चीज को, अगर ये पुली क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। मूव कर रही है, क्या मैं तब भी ऐसा कह सकता हूँ कि ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा? Can I say this? यानी कि अगर ये x ऊपर जाएगा तो ये कितना नीचे आएगा? हाँ सर बोल सकते हैं सर। अच्छा एक बार बताओ, पहले तो
अपने दिमाग में सोचो, अगर ये पुली फिक्स होती तो अब तुमने अभी रस्सी का कंस्ट्रेंट पढ़ा है, तब ऐसा बोल सकते थे? हाँ सर। अगर ये पुली फिक्स होती तब ऐसा बोल सकते थे कि ए वाला मास अगर एक्स ऊपर जा रहा है तो बी वाले मास को कितना नीचे आना पड़ेगा? एक्स एक्स एक्स। भाई बी वाला मास एक्स नीचे आएगा तो यहाँ से एक्स रस्सी बढ़ जाएगी और ए तरफ से एक्स रस्सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ये बात समझ में आती है कि ये भी नहीं समझ में आता? जल्दी बताओ। आता है सर। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये पुली फिक्स नहीं है, पुली खुद भी क्या कर सकती है? मूव कर सर। तो ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। पक्की बात है? हाँ जी। हाँ सर पक्की बात। सोच लीजिए, सोच लीजिए और सोच लीजिए थोड़ा सा। हाँ सर पक्की बात है। यस सर पक्की बात है सर, हो सकता है। हो सकता है। हाँ सर वैसे ही होगा। अच्छा थोड़ा फील करना चाहते हो इस चीज को? ओके सर। चलो आओ देखो इधर। मान लो बेटा ये क्या है, क्या ये मूवेबल पुली? मूवेबल पुली। बोल चल जाएगा? यस सर। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। इसकी इस लेंथ को कुछ नाम दे दो। इस लेंथ को तुम कुछ नाम दे दो। इस लेंथ को क्या नाम दे दो जल्दी बताओ। L1। और इस लेंथ को क्या नाम दे दो? L2। पता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रस्सी? L1 plus L2। L1 plus L2 plus वो पार्ट जो ऐसे इस पुली के ऊपर ऐसे लपेटा। हाँ सर। बोलो समझ आती बात की नहीं आती बात? समझ में। यस यस सर। उसके उससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पुली कहीं भी मूव करे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जितना हिस्सा उसके ऊपर लपेटा हुआ है वो तो उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो पुली की रस्सी की लेंथ कितनी है अभी? अभी के लिए L1 plus L2। L1 plus L2 है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। अब देखो बेटा तुमको चीजें विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कहीं भी चले, पुली कहीं जाए, कोई कहीं जाए, कुछ भी हो, कुछ भी कैसा भी हो, रस्सी की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए? सेम ही रहेगी L1 plus L2। सेम रहनी चाहिए ऐसा तुम कह रहे हो? कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? कह रहे सर। ठीक है। पता है पुली को किधर मूव करा दे? ऊपर। ऊपर की तरफ मूव करा दीजिए। ये आपकी पुली किधर आ गई? ऊपर। ऊपर आ गई। पुली का सेंटर ऊपर आ गया। कितना ऊपर ले जाऊं उसे बता दीजिए सोच के? एक्स। पुली को मैं वाई ऊपर ले जाता हूं। कितना ऊपर ले जाता हूं? वाई। वाई। बोलो चलेगा? यस सर। और मेरा सवाल तुमसे ये था कि अगर ये पुली मूव कर रही है क्या हम तब भी ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट वाला मास अगर एक्स ऊपर जा रहा है तो राइट वाला मास कितना नीचे आ रहा होगा? एक्स नीचे आ रहा है। एक्स नीचे आ रहा होगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। तो तुमने कहा कि हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि तुम्हारे हिसाब से ये अगर एक्स नीचे आया है तो ये यहाँ से कितना ऊपर चला गया होगा? एक्स। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मैं तुम्हें नया सिनेरियो दिखाता हूँ। नया सिनेरियो क्या है? नया सिनेरियो आपके हिसाब से कुछ ऐसा है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? यस सर। अरे यही नया सिनेरियो है? यस सर। पक्की बात है कि नहीं है यार? सोच के बता दो मुझे। हां सर पक्की बात। चलो अब अपने आप फील करो भाई। ओरिजिनल सिनेरियो किस कलर से दिखाया था मैंने? ओरिजिनल सिनेरियो किस कलर से दिखा रखा था? ग्रीन। ग्रीन कलर से। तो इसको चाहो तो और थोड़ा डार्क ग्रीन कर लो ताकि तुमको साथ में डिस्टिंक्टली दिखता रहे कि शुरुआत में हो कह रहा था। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। चल बेटा देख के बता ना सोच के, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है क्या? हाँ सर कांस्टेंट।
सर एक्चुअली थोड़ा कांस्टेंट नहीं लग रहा देखने में। छोड़ लो एक बार अच्छे से। नहीं है सर। कांस्टेंट है? नहीं। सर पर कांस्टेंट होना चाहिए ना, ऐसा देख के लग रहा है कि नहीं है। हाँ तो तुम बताओ ना, देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं है? सर कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन देख के लग रहा नहीं है। देख के लग रहा है? नहीं है। प्रूफ कर सकते हो? सर देख के बोल रहे सर पर एक्चुअली तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। एक काम करते हैं ना यार, लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें। यस सर। यस सर। लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड से पुली कितना ऊपर चली गई? वाई वाई। पक्की बात है? यस सर। और ये मास कितना ऊपर आ गया? एक्स। मास एक्स ऊपर आ गया। ये दूरी एक्स है कि नहीं है? हां सर। तो अब बताओ ये दूरी कितनी होगी? व्हाट इज दिस दूरी? ये नई दूरी कितनी होगी? x plus y l1। चप्पल खाओगे? ये होगी l1 plus y minus x। हाँ सर। यस सर। सॉरी सर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। अरे यार एक बार बता यार, कॉमन सेंस लगा। ये l1 दूरी थी कि नहीं थी जितना टंगा हुआ था ये? हाँ सर। इसमें पुली ऊपर गई, कितना पुली ऊपर गई? y। कॉमन मैथ्स लगाओ, देखो ध्यान से एक बार में देखना। ये दूरी l1 दिख रही है? बोलो हाँ। हाँ सर। इसमें पुली ऊपर y गई तो y जोड़ दिया तो ये टोटल लेंथ l1 plus y हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर हो गई। हाँ उसमें से अगर ये x ऊपर आ गया तो अब ये बताओ ये दूरी कितनी बची, जल्दी बताओ। l1 plus y minus x। l1 plus y minus x। क्या तुम सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आ गई आ गई सर। राइट हैंड बताओ, राइट हैंड साइड पे बताओ टोटल लेंथ कितनी होगी, सोच के बताओ। l2 plus y plus x। l2 plus y plus x। सबको दिख रहा है ये चीज? हाँ सर। व्हाट इज दिस टोटल दूरी? l2 plus y plus x। दिखाऊं कैसे आया कि दिख गया? आ गया आ गया सर। ये y है, ये l2 है और ये x है, तो तीनों मिला के l2 plus y plus x। आई होप इट इज क्लियर। यस और नो? क्लियर। यस सर। व्हाट इज द टोटल लेंथ नाउ? व्हाट इज द टोटल लेंथ? L1 plus L2 plus 2y. L1 plus y minus x plus L2 plus y plus x. X से x तो कट गया, लेकिन अब आपकी total length L1 plus L2 plus 2y आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. हाँ sir. जबकि आनी कितनी चाहिए थी? L1 plus L2. L1 plus L2 आनी चाहिए थी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर पर कैसे हो गया ये, समझ ही नहीं सर। ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि जब पुली चल रही है, क्या चल रही है? पुली चल रही है। तो दोनों तरफ के ब्लॉक सेम डिस्टेंस मूव नहीं करेंगे, तब आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि अगर एक ब्लॉक एक्स ऊपर जा रहा है तो दूसरा वाला कितना नीचे आएगा। एक्स नीचे। समझो इस चीज को, अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर। जब ये पुली मैंने फिक्स कर दी, इसको फील करना, जब ये पुली मैंने क्या कर दी? फिक्स कर दी। तो बता मेरे को, तब ये बात सही है कि नहीं सही है कि ये ब्लॉक अगर x नीचे आया है तो इसको x किधर आना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। कारण क्या है? यहाँ पे रस्सी की लेंथ सिर्फ इन्हीं ब्लॉक्स के मोशन की वजह से ही तो एडजस्ट हो रही है कि नहीं? हाँ सर। आप खुद से अपने दिल से पूछो, क्या पुली से कोई रस्सी की लेंथ एडजस्ट हो रही है? नहीं सर। बताओ जल्दी बताओ सोच के। नहीं हो रही। पुली से कोई रस्सी की लेंथ एडजस्ट हो रही है क्या? नहीं नहीं सर। पुली तो वही है कि नहीं है? हाँ सर। तो राइट साइड से अगर रस्सी कितना बढ़ रही है? राइट साइड से एक्स बढ़ रही है तो लेफ्ट साइड से एक्स कम होनी चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। लेकिन जब ये पुली चल रही है तो अब सोचना और फील करना है इस बात को, इस पुली को किधर चला दूं? ऊपर चला रहे थे। ऊपर चला रहे थे। तो बेटा एक बात बता, समझ इस बात को, अगर ये पुली ऊपर की तरफ कितना चल जाती है? Why? तो इस पुली के मोशन की वजह से भी रस्सी की लेंथ बढ़ रही है, और बढ़ कितनी रही है? वाई नहीं बढ़ रही है, टू वाई बढ़ रही है। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? अब इस पर दोनों साइड बढ़ेगी बराबर। ऐसे लपेट रखी थी कि नहीं लपेट रखी थी? हाँ सर। हाँ सर। और अब जो रस्सी लपेट रखी है वो ऐसे लपेट रखी है, इतना समझे कि नहीं समझे? समझे सर। तो रस्सी की लेंथ देखो, पुली के मोशन की वजह से इतनी लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई रस्सी की?
हाँ सर। ये कितनी लेंथ है? टू है। टू भाई, कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हाँ सर। तो बेटा वही चीज देखो, अब तुम्हें चमकेगा कि वहां 2i का फैक्टर क्या आया। तूने क्या किया पिछली बार ब्लंडर, तूने इस वाले ब्लॉक को किधर ऊपर ले गया तू, जल्दी बोल। x ऊपर लेके। और इसको किधर ले आया तू? x नीचे। तो इस x और इस x ने आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? हां सर। लेकिन इस 2y को किसी ने एडजस्ट किया क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब रस्सी की टोटल लेंथ में 2y की बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी कि नहीं हो जानी चाहिए थी? हां सर। वही चीज मैथमेटिकली निकल के आई थी, देखो L1 plus L2 plus 2y। कुछ समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रहा है? सर पर रस्सी लंबा कैसे हो गया, मेरे को वही नहीं समझ रहा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो गलत है ना, क्योंकि अपन ने x को ऊपर चला के x नीचे चलाया ना बेवकूफ। अगर लेफ्ट वाला ब्लॉक x ऊपर जा रहा है तो राइट वाला ब्लॉक x नीचे नहीं आएगा, समझे? ओके सर, समझा समझा सर, समझ गया समझ गया। बेवकूफ दास, क्या हो रहा होगा अगर तुमने ये बात बता दी तो मैं मान जाऊंगा। इधर देखो, ये वाला ब्लॉक अगर कितना ऊपर जा रहा है बोलो? एक्स ऊपर। और पुली कितना ऊपर जा रही है? वाई। कैन यू टेल मी राइट वाला ब्लॉक कितना नीचे आ रहा होगा? बताओ सोच के। एक मिनट, खुद से सोचो। अच्छा तुमको पहले ये बताओ, सारी बातें बाद में, तुमको ये समझ में आया कि अभी x नीचे नहीं आ रहा है? ये समझ में आया? x माइनस 2y है सर। क्या ये x नीचे आ रहा है, सोच के बताओ? नहीं सर। क्यों? अगर ये x नीचे आएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी सर? फिर लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगा, इनएक्सटेंसिबल नहीं होगा। जितनी लेंथ लेफ्ट से घटाई है उतनी तो तुमने राइट से नीचे ही बढ़ा दी, तो जो पुली के मोशन की वजह से रस्सी की लेंथ बढ़ी है उसको अपन ने काउंट किया क्या? नहीं सर। हाँ सोच के बताइए कितना नीचे आएगा ये? सर x माइनस 2y आना चाहिए। शाबाश, करेक्ट है। तभी तुमको चीजें चमकेगी। रस्सी की टोटल लेंथ क्या रखनी है? L1 plus L2। आराम से सुनना और अपने साथ साथ लिखते रहना। ये वाला जो ब्लॉक है इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। A ब्लॉक आपने कितना चलाया है? सर ऊपर की तरफ X और X। उसके ऊपर की तरफ चलने से रस्सी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी घटेगी? घटनी चाहिए। घटनी घटनी चाहिए। तो इधर से कम हो गई लेंथ, कितनी लेंथ कम हो गई जल्दी बता? X कम हो गई। X कम हो गई, इतना समझ में आता है? Yes, sir. पुली कितनी ऊपर चलाई है? Why? उससे क्या फर्क पड़ेगा रस्सी की लेंथ पे? सर लेफ्ट साइड में y बढ़ जाएगा। अबे पुली अगर y ऊपर जा रही है तो रस्सी की टोटल लेंथ 2y बढ़ जाएगी। यस सर, मैं सर खाली लेफ्ट में बोलता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ yes, sir. पुली के मोशन से कितना इंक्रीज आया? 2y। तो बेटा x डिक्रीज करा है इसकी वजह से, और पुली की वजह से कितना इंक्रीज कर गया है? 2y बढ़ गया। क्या आप मुझे बता सकते हो नेट डिक्रीज कितना? नेट डिक्रीज 2y माइनस x। नेट डिक्रीज? हाँ सर x माइनस 2y। सर x माइनस 2y, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो आप बताओ ये जो नेट डिक्रीज है इन दोनों का मिला के उतना ही तो b के नीचे जाने से नेट इंक्रीज हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? यस सर। यस, क्योंकि बी के नीचे रहने से क्या होगा, रस्सी कम होगी बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। तो
तो अगर नेट डिक्रीज x माइनस टू वाई है तो b को कितना नीचे जाना पड़ेगा, जल्दी बताइए। x माइनस टू वाई, x माइनस टू वाई, टू वाई, इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो एक बार बताइए, एक पुली की तरफ अगर दो मास टंगे हुए हैं तो क्या हम हमेशा ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक मास x नीचे आ रहा है तो दूसरा वाला x ऊपर आ ही रहा होगा? नो सर। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब बोला जा सकता है? जब पुली फिक्स्ड हो। जब पुली फिक्स होती है। इसको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये बात चमकी आपको कि नहीं चमकी? यस सर। जल्दी क्विकली टेल मी, यस और नो? यस सर। सर नहीं समझा अभी। क्या नहीं समझा बेटा? सर यही इंक्रीज और नेट डिक्रीज वाला पार्ट। अच्छा, ए वाले मास को देखो, ए वाला मास किधर गया, कितना गया ऊपर? x। उससे क्या रस्सी बड़ी रस्सी कम हुई? कम हुई। कितनी कम हुई? x। पुली कितनी ऊपर गई? y। उससे रस्सी कम हुई कि बढ़ गई? सब बढ़ गई। कितनी बड़ी? 2y। 2y। तो एक तरफ से रस्सी x कम हुई थी और उधर से 2y बढ़ गई थी, तो नेट कितनी कम हुई है? सर क्या? नेट कितनी कम हुई है? सर नहीं समझा। चलो वैल्यू से समझ पाओगे तुम बेटा, छोटे बच्चे हो ना अभी। चलो देखो, ये वाला ब्लॉक कितना ऊपर गया? 10। ये वाला ब्लॉक कितना ऊपर गया बोलो? 3। चलो अब बताओ, इधर लेफ्ट वाला ब्लॉक 10 ऊपर गया तो रस्सी की लेंथ कितनी कम हो गई? 10। पुली कितना ऊपर गई? 3। तो पुली की कितनी लेंथ बढ़ गई, रस्सी की कितनी लेंथ बढ़ गई? सॉरी 6। तो लेफ्ट की तरफ से कम कितनी हुई थी? 10। जिसमें से 6 तो पुली ने बढ़ा दी। यस। तो बाकी कितनी बची? सर 4। तो उसको बढ़ाने के लिए इसको 4 नीचे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? समझ आया? अब भी नहीं आया तुम्हें? यस सर समझा थोड़ा। तो ये 10 माइनस 2 इंटू 3 तो लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बस यही तो था x माइनस 2y, समझे नहीं समझे? यही तो x है तेरा, ये x है भाई। बोल समझ आया? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हम पेपर में बार 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 ऐसा करके देखेंगे? तो बिल्कुल भी आप ऐसा करके ना देखोगे ना देख पाओगे। इतना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं सर। तो अब बेटा हम आपको पहले तरीका सिखाएंगे, वो तरीका जो फिजिक्स का तरीका है, जिसमें आपको बेसिक समझना है, बेसिक पकड़ना है। फिर उसके बाद में आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा सिंपल सी, उस ट्रिक से आप एक लाइन में चीजें कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे देखो, इवेंचुअली जब आप सवाल सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपको अप्लाई वो ट्रिक ही करनी है, आप वो ट्रिक ही अप्लाई करने वाले हो, राइट? यस सर। लेकिन वो ट्रिक के चक्कर में अगर पड़े रहोगे हमेशा, तो सवाल तो सॉल्व हो जाएगा पर फिजिक्स की फीलिंग उतनी नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले बेसिक कंसेप्ट सीखे, फिर उसके बाद अपन ट्रिक की तरफ बढ़े। शुरू करें? यस सर। चलो एक बात बताओ बेटा, अब बताओ मेरे को, सोच समझ के बताना, ये क्या है? एक पुली। पुली, पुली के इधर कितना मास टंगा है? ए। और इधर कितना मास टंगा है? बी। बी, राइट? यस। और पुली कैसी कैसी पुली है? मूवेबल। मैं कह रहा हूं कि ये अगर x नीचे आ रहा है तो ये x ऊपर आ रहा है, ये ट्रू है? हाँ सर। ये ट्रू है सर, हिला नहीं रहे पुली को तो। हाँ ट्रू। पुली मूवेबल है बेटा, मान लो पुली भी वाई ऊपर चल रही है। नहीं सर ट्रू नहीं है सर। नहीं है सर ट्रू। पक्की बात? यस। ऐसा ट्रू कब होता? जब मूव नहीं, जब पुली फिक्स्ड होती।
जब पुली फिक्स होती, लेकिन पुली तो क्वेश्चन में फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास एक हथियार था ना जिसमें कोई चीज अगर फिक्स नहीं होती तो उसे हम फिक्स कर लेते हैं। यस सर। रिलेटिव मोशन याद है आपको? हाँ सर। यस सर। नीचे की तरफ वायर लगा दे, पुली को धर लेंगे उठा के। नहीं आई बात समझ में? यस सर आई सर। यानी कि हम लोग किसके फ्रेम में चले जाते हैं? पुली के। पुली के फ्रेम में चले जाते हैं। नहीं आई बात समझ में आपको? आ गई सर। जी सर। फ्रेम में जाने का मतलब हमने अपना ऑब्जर्वर कहाँ बिठा दिया? पुली पे। पुली पे बैठा दे। पुली पे बिठा दिया भैया। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अगर मैंने पुली पे बिठा दिया तो एक तरीके से मैंने पुली को क्या कर लिया बेटा? यहीं पे धर लिया। धर लिया। धर लिया। आर यू क्लियर? यस यस सर। उसके बता कि जो ऑब्जर्वर पुली पे बैठा होगा उसे तो यही दिख रहा होगा ना कि अगर ए वाला ब्लॉक एक्स नीचे जा रहा है तो बी वाला ब्लॉक एक्स ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है। ये बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है? सही लग रही है सर। बट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू पुली। विद रिस्पेक्ट टू पुली। With respect to ground or with respect to pulley? You are talking with respect to pulley. 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 Are you clear or not? Yes, yes sir. ये लिखा है कब? एक बच्चे ने ये लिखा। तुम्हें correct option choose करना है। This is option one. बोलो clear है? Yes, yes sir. This is option two. This is option three. Which is the most appropriate option? Sir, three. पहले option में गलत क्या है? So with sir, respect to ground. Respect to ground है। तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। समझ आया? हाँ yes, sir. Yes, sir. दूसरे में देखो क्या है? वो कह रहा है A का displacement with respect to pulley और B का displacement with respect to pulley बराबर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार अपन ने vector sign लगाया ना भाई? हाँ sir. हाँ sir. तो direction भी अपने को specify करना पड़ेगा। तो एक चीज अगर नीचे है तो दूसरी चीज किधर है? ऊपर 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 है। इसका मतलब ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? थर्ड। कि मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे? ऑपोजिट। क्या दिमाग का बल्ब जला कि नहीं जला? जला सर। जला सर। अब चीजें बहुत आसान है क्योंकि पुली मूव कर रही थी, दिक्कत दे रही थी, दिक्कत दे रही थी। हमने पुली को उठा क्या कर लिया? धर लिया। यहाँ तक चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है। चमकता है। तो बेटा एक बार बताओ, इतना पढ़ा लिखा के लाए हैं, तुमको x से p को x से माइनस xp लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में? यस सर। और इसको क्या लिख सकते हो तुम, जल्दी बताओ? माइनस xp से माइनस xp। ये सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जा गए। बोलो क्लियर है? हां सर। हां सर। ये हो गया x से माइनस xp इज इक्वल टू माइनस ऑफ xb प्लस xp। यहां से तेरे को मिल जाएगा x से प्लस xb इज इक्वल टू कितना? 2xp। 2xp। क्या तेरे को बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। अब एक बात बता बेटा, अगर मैं इसी रिलेशनशिप को डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं? डिफरेंशिएट। तो ऑन डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा सर? किसके इसमें? टाइम के। ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटीज मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? हां सर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिल जाएगा वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2vp। और एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। ए ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ap। यही तीन कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स होती हैं जो पुलीज में लगानी होती हैं। यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ एक डब्बे में बंद करके, इनफैक्ट नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या बेसिक रिलेशन है? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 2xp। वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2vp। ए ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ap। क्या ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. यहाँ पे दिमाग में रखने वाले दो पॉइंट, जो दो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहली चीज, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर पुली फिक्स होती है, अगर पुली फिक्स होती है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी ऐसा ही दिखेगा कि अगर लेफ्ट वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है एक्स तो राइट वाला ब्लॉक एक्स ऊपर आएगा। मानते हो इस बात को? यस सर। इसको तुम देख सकते हो यहाँ से? yeah. अगर फिक्स होती क्या होती? फिक्स्ड। फिक्स होती तो कितने बच्चों को समझ में आता है पुली फिक्स का मतलब एक्स पी जीरो है?
Yes, sir. अबे displacement of pulley क्या है? Zero. Zero. और अगर displacement of pulley zero है, तो first relationship से ये मिल जाता है x से बराबर minus x भी. Yes, sir. इसका मतलब और vector sign लगा हुआ है. इसका मतलब जितना a block displace हो रहा है, उतना ही क्या displace हो रहा है? B block उल्टे direction. उल्टे direction में. और अब ये with respect to pulley है कि with respect to ground है? With respect to ground. Ground है. आई होप थोड़ा थोड़ा दिमाग चमक रहा होगा. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये पॉइंट है कि इस रिलेशनशिप को लगाने के लिए आपको हमेशा तीन चीजें चाहिए होती हैं. वो तीन चीजें कौन सी है उसको समझ लीजिए. एक चीज तो होती है पुली इटसेल्फ. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. And remember, A और B are the two points on either sides of the pulley. इसके एक साइड पे जो पॉइंट है उसका क्या नाम है? A. और दूसरी साइड पे जो पॉइंट है उसका क्या नाम है? B. और ये खुद क्या है? पुली. पुली. यही तो किया था मैंने. देखो अभी फिगर जब बनाई थी तो एक तरफ ए लिया था, एक तरफ बी लिया था और ये खुद पुली है. क्या तुमको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे जल्दी बताओ भैया, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? हुआ सर. पक्की बात? यस सर. चलो अब अपन प्रॉब्लम्स करना शुरू करें. यस सर. चलो भी प्रॉब्लम नंबर 1 फटाफट बताइए. ये एक पुली है, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड से किधर जा रही है? ऊपर. ऊपर. इसके लेफ्ट में एक ब्लॉक टंगा हुआ है, उसका नाम क्या है? ए. राइट में एक ब्लॉक टंगा है, उसका नाम क्या है? बी. आपसे कहा कि इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए किधर जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है. आपसे पूछा भैया बी के बारे में बताना जरा, बी किधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा. और मैंने वेक्टर लगा के पूछा है, वेक्टर लगा के मैंने मतलब डायरेक्शन भी पूछा है तुमसे. बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती? यस सर. एक बार में समझना, आप जो रिलेशन लगाओगे यहाँ पे वो रिलेशन लगेगा VA प्लस VB इज इक्वल टू क्या? टू VP. लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं बताइए? लगा सकते सर. पुली की वेलोसिटी आपको पता है, पुली की तरफ दो पॉइंट्स पता है, उसमें से भी एक पॉइंट पता है, तो दूसरे की निकल आएगी नहीं निकल आएगी? निकल आएगी सर. VA कितना लगाओगे? VA 5. शाबाश. VB सर वही रहता. VP 10. तो VB कितना आ गया? 15. 15 मीटर पर सेकंड. यानी कि जो B पॉइंट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? सर ऊपर की तरफ कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से. बोलो बात समझ में आती है? यस सर. हां सर. कोई दिक्कत? नो सर. अरे जल्दी बता. नो सर. नो सर. ठीक है, अब जरा इसका आंसर देना तो देखें क्या सीखा तुमने पूरी रामगण कहानी से. ये पुली है, चल जाएगा? यस सर. ये ऊपर चल रही है कितने मीटर पर सेकंड से? 2 मीटर पर. 2 मीटर पर सेकंड से. ये ऊपर चल रहा है कितने से? 6 मीटर पर. सेम क्वेश्चन, बी किधर जा रहा होगा और कितनी स्पीड से जा रहा होगा? सर 8 मीटर पर सेकंड. कितना? 8. 8 मीटर पर सेकंड. सर नीचे आ रहा होगा 2 से. नीचे आ रहा होगा कितने से? 2 से सर. 2 से. सर नीचे आ रहा होगा 8 से. नीचे आ रहा होगा 8 से. यस सर. 2 से होगा ना. अच्छा बेटा, रिलेशनशिप क्या पढ़ाया गया था तुमको? VA + VB बराबर? एक्चुअली नहीं सर, 4 से आ रहा होगा. 2VP. सुनो जरा, जानते VA कितना है? 6 सर. अच्छा दूसरी चीज, इन वेलोसिटीज के ऊपर बेटा वेक्टर साइन लगाए कि नहीं लगाए? लगाए सर. तो डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी ना वेलोसिटी की? यस. हां यस. अगर तुम VA की जगह 6 लिख रहे हो तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तुम ये मान चुके हो कि ऊपर की डायरेक्शन कैसी ले जा रही है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो नीचे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसी हो गई? नेगेटिव. हां भाई, VB पता है निकालना है. हां सर. चला वेलोसिटी ऑफ पुली क्या लगेगी? 2 सर. 2 प्लस से माइनस से? प्लस से सर. VB कितना है बेटा यहाँ से?
माइनस टू से क्या समझे? सर नीचे आ रहा है दो. नीचे आ रहा है कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड सर. कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है सर. चलो ये बताओ, इस बार गलत नहीं करना. ये क्या है? पुली सर. पुली है. पुली नीचे आ रही है कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड. ये छोटू ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड. बताओ वीबी क्या होगा? सर -8 से मतलब 8 से नीचे आ रहा है. नीचे आएगा, 8 से नीचे आएगा. ठीक है देख लेते हैं तुम सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो. VA plus VB बराबर 2VP लगा देते हैं. VA कितना लगाया आपने? 2 सर. 2. VB आपको निकालना है 2. VP कितना लगाया? VP -3. शाबाश. तो VB कितना आ गया? -6 plus -2. -8 का मतलब 8 से किधर? नीचे. इतनी बात समझ में आती कि नहीं समझ में आती है? आती है सर. तो ये हो गया आपका पुली का कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप. आर यू क्लियर विद दिस? यस सर. यस सर. पक्की बात है? पक्की बात सर. आप देखो बेटा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे करेंगे. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करने के लिए रेडी हो? यस हां सर. चलो देखते हैं एग्जांपल 4. तेरे से ऐसा पूछा गया, यहाँ एक ब्लॉक है, इसका नाम क्या है? ए ए और यहां से एक ब्लॉक टंगा हुआ है ऐसे करके, इसका नाम क्या है? ए बी. एनी प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. आपसे मैंने बोला ये जो ए वाला ब्लॉक है ये आगे की तरफ आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से? ए. और ये वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? ए बी. ए बी. आपको इन दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. बोलो बात समझ में आती है? हां सर. यस सर. चलो बेटा अब इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको पुली के बारे में भी सोचना है और रस्सी के बारे में भी सोचना है. दोनों कंस्ट्रेंट पढ़ लिए ना आपने? हां सर. हां चलो शुरू करें. यस सर. चलो बेटा ध्यान से सुनो, पुली पे कंस्ट्रेंट लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो पुली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और पुली के दो तरफ जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. हां या ना? हां सर. याद है? यस सर. यस सर. पहला सवाल, अगर ये ब्लॉक बी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है बताओ? ए बी. ए बी. तो कितने लोगों को समझ में आता है ये जो पुली है, पुली भी उसी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है ए बी से? हां सर. यस सर. क्यों ये बी उस पे अटका है ना सर? बेटा ये पुली और ये ब्लॉक भी इस रस्सी से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? हां सर. और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब रस्सी कनेक्टेड होती है तो अलोंग द स्ट्रिंग चीजें सेम होती हैं कि नहीं होती हैं? हां सर. क्या यही डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग है? सोच के बताओ. यस सर. तो अगर ब्लॉक ए बी से नीचे आ रहा है तो पुली भी कितने से नीचे आ रही है? ए बी से सर. ए बी से नीचे आ रही है. कितने लोगों को ये बात चमक गई? चमक गई सर. आप बताओ बेटा सोच के, पुली पे रिलेशन लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक तो पुली का एक्सेलरेशन. बोल हाँ या ना? हाँ सर. एक तो पुली का एक्सेलरेशन. बोलो हाँ की ना? हाँ सर. और पुली के दोनों तरफ कितने पॉइंट? दो पॉइंट. आई होप आप सबको इतनी बात में क्लैरिटी है कि ये जो रिलेशनशिप्स अपन ने लिखे हैं ये वाले, मान लो यही रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर लू तो इस रिलेशनशिप में अगर मुझे कोई दो वैल्यूज पता होंगी तो मैं तीसरी निकाल सकता हूँ. बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर. अगर मुझे सिर्फ एक वैल्यू पता है तो उससे बाकी दोनों निकाल सकते हैं क्या एक इक्वेशन से हम लोग? नहीं. तो अभी अब तक आपको किसका एक्सेलरेशन पता चला है? पी का. मतलब पुली का पता चल गया. अब या तो पुली के राइट वाले पॉइंट का पता हो या पुली के लेफ्ट वाले पॉइंट का पता हो. अगर एक पॉइंट का पता चल जाए तभी तो दूसरे का निकालोगे. नहीं आई बात चाहूंगा. आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? यस सर. चलो बेटा आओ देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिमाग लगा के देखनी पड़ेगी कि ये जो पुली है इसके एक तरफ के पॉइंट का एक्सेलरेशन एक्चुअली पता है. मान लो इसके इधर वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं?
वन और इसके इधर ये वाला पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बोलो कौन सा? टू. और आपको एक्चुअल में टू का एक्सेलरेशन मालूम है? टू का एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वो फिक्स्ड है. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. तो क्या रिलेशन लगेगा पुली पे? बोलो क्या रिलेशन लगा दोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू टू इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली. ए वन प्लस ए टू बराबर टू ए पी. कैन आई अप्लाई दिस और नॉट? यस सर. कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो इस बार? क्या लगता है कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानना ज्यादा बढ़िया है? सर नीचे पॉजिटिव मान. सब नीचे है तो नीचे पॉजिटिव मान लेंगे. जल्दी बोलो बच्चों, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे सर. अब सुनो ध्यान से. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट वन? यू नो और यू वांट टू फाइंड आउट? फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट टू? जीरो. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली? टू ए बी. ए बी. पुली का एक्सेलरेशन ए बी है. समझ में आया? यस सर. तो वन वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आया? 2ab. आप में से कितने लोगों को इतना समझ में आ गया? तब तो आगे बताएंगे. बोलो हाँ या ना? आ गया सर. समझ. जल्दी बोलो बालको. आ गया सर. अब सुनो ध्यान से. इसका मतलब जो वन वाला पॉइंट है कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? 2ab से. 2ab से. सबको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है. अब फिर लगाएंगे रस्सी का कंस्ट्रेंट. ध्यान से सुनो बेटा, ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक ही रस्सी से बंधा है कि नहीं बंधा है? हाँ सर. तो अभी तेरे को कंस्ट्रेंट में क्या सिखाया था मैंने? क्या तेरे को ये बात फील होती है कि जितने एक्सेलरेशन से ये पॉइंट नीचे आ रहा होगा उसी सेम एक्सेलरेशन से इस पॉइंट को आगे आना पड़ेगा अलोंग द स्ट्रिंग? मानते हो? यस सर. नहीं चमका? हाँ सर. चमक गया सर. समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? आ रही है सर. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट यू कैन फॉर्म? बोलो. एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी. ए बराबर 2ab. Understood or not? Yes sir. Understood sir. इसमें हमने पुली का कंस्ट्रेंट लगाया है कि पुली और रस्सी दोनों का लगाया है? दोनों का लगाया है. इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. हालांकि अभी जब हम आपको ट्रिक सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो यही चीज एक लाइन में भी हो जाएगी, लेकिन उसको सीखने से पहले आपको ये करना आना चाहिए. क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं है? आई सर. तो इतना बता दो मुझे, पुली का एक्सेलरेशन या पुली का कंस्ट्रेंट लगाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है. पुली और पुली के दो तरफ दो पॉइंट्स. बोलो सही बात है? यस सर. यस सर. चलो एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे इसी टाइप का? सर. हाँ बोलो बोलो. सर हम वो दो पॉइंट्स अज्यूम कहाँ पे भी कर सकते हैं क्या? कहीं पे भी एनीवेयर. ओके सर. एक लेफ्ट में होना चाहिए, किधर होना चाहिए? राइट में. राइट में. जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने और डरना नहीं बेटा. कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन की फिगर ऐसी होती है कि बच्चे देख के डर जाते हैं कि सर इतनी पुली तो हमने कभी देखी नहीं है. लो समझ आ रहा है? हाँ सर. डर घबराना नहीं. डोंट घबराओ भाई. यस सर. यस सर. ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? ए बी से सर. ये कितने से आगे आ रहा है? ए से सर. दोनों के बीच में क्या निकालना है तेरे को? आराम से शुरू करें. यस सर. कॉमन सेंस है थोड़ा सा? कॉमन सेंस है आपके पास? हाँ सर. चलिए बताइए, ये तब पूछा रहे, बताइए ये दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं? यस सर. तो क्या ये ए बी से ही नीचे आ रहा होगा? यस सर. आप इस पुली को देखो, ध्यान से देखो, इस पुली का एक्सेलरेशन पता चल गया? हाँ सर. इसके दो तरफ दो पॉइंट है. कौन से पॉइंट? यस सर. दो पॉइंट जिसमें से एक पॉइंट जीरो हो जाएगा. हो जाएगा? हाँ सर. सिर्फ फॉर्मूला से फाइंड करना. बच्चों को ओरली समझ में आ गया? ओरली फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ओरली समझ में आ गया, डबल हो गया. हाँ सर. टू ए. यस सर. हाँ सर. जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम. या करके दिखाऊं? नहीं सर, समझा. फिर वो सर डबल होता ही जाएगा ना सर ऊपर तक. सर आप म्यूट.
बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है अभी। अगर ये ए बी है तो डायरेक्टली दिख रहा है वो टू ए बी हो जाएगा? हाँ सर। चलो आधे बच्चे कह रहे हैं सर कैसे हो जाएगा, प्लीज दिखा दो सर हमें, ये पॉइंट वन मान लें सर। समझा। सेकंड पॉइंट का चूज करेगा? सेकंड पॉइंट सर एकदम ऊपर। हाँ हो गया। तो क्या रिलेशन लगाएगा तू? तू लगाएगा ए वन प्लस ए टू बराबर बराबर टू ए बी। टू ए बी, ए वन अपने को मांगता है, ए टू जीरो है, जीरो है, और ए वन टू ए बी। यहाँ पुली का एक्सेलरेशन लिखना होता ना, पुली का एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए बी। ए बी और नीचे की डायरेक्शन ही मैंने क्या मान रखी है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो बेटा सोच के बताना ये कितने से नीचे आ रहा है? टू ए बी से। टू ए बी से सर। टू टू ए बी से, ये पॉइंट टू ए बी से नीचे आ रहा है। कितने लोगों को समझा? समझा सर, समझ। अब अगर ये पॉइंट टू ए बी से नीचे आ रहा है तो ये जो पुली का सेंटर है ये भी टू ए बी से नीचे आ रहा है? हाँ सर, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब आप में से कितने लोगों को समझ में आया यही सेम राम कहानी में इस पुली के लिए लगा सकता हूँ? हाँ सर। इसमें भी एक पॉइंट फिक्स है कि नहीं है? एक पॉइंट फिक्स है। हाँ सर। तो इधर वाले का कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। फोर ए बी। फिर ये फोर ए बी है तो पुली का सेंटर भी कितने से नीचे आ रहा है? फोर ए बी से। फोर ए बी से कहना है अप्लाई द सेम राम कहानी टू दिस पुली। यस सर। सर What will happens? उसका acceleration 8ab आ जाए। तो इसके center का acceleration? 8ab आ गया। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों पे एक-एक point fix मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यही राम कहानी लास्ट वाली पुली पे लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 16ab। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 16ab। इतना चमका तुमको कि नहीं चमका? चमका सर। And finally, how many of you understand that this 16ab should be equal to AA? Yes, sir. Because they are connected, both these points are connected with the same string. Any problem? Ho gaya, sir. No, sir. Ah, sir. So the relation is acceleration of block A is equal to 16 times of acceleration of block B. B. अब देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये जो दो bodies हैं A और B, ये बहुत सारी पुलीज और रस्सी से connected हैं कि नहीं connected हैं? Yes, sir. तो क्या इन दोनों के acceleration एक दूसरे पर depend कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं sir. इसी को constraint motion बोलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों किसी भी acceleration से move कर जाएं? नहीं sir. ऐसा हो सकता है कि अगर B का acceleration मान ले कितना है? B का acceleration कितना है? B का कितना है? One. तो A का कितना होना पड़ेगा? 16 होना पड़ेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? आ रही है सर। ऐसा possible है कि B acceleration 1 रख ले और A acceleration 5 रख ले? नहीं सर। possible ही नहीं है। इसका मतलब कुछ रुकावटें लगा दी है ना हमने, कुछ conditions लगा दी है। इसको constraint motion कहते हैं। Understood or not? Understood sir. Understood sir. That there are certain conditions, मतलब इस पूरे सिस्टम में ये कंडीशन है कि भैया आप मूव करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको मूव करना है कि A को अपना एक्सेलरेशन B के कितने टाइम्स रखना पड़ेगा? 16 गुना रखना पड़ेगा। क्या आपको ये बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकी सर। अच्छा, ये मैंने जो डायरेक्टली डबल 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 कर दिया है डायरेक्टली समझ में आया? हर बार पुली पे फॉर्मूला लगा के दिखाऊं मैं? नहीं नहीं सर, समझा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए सर। ठीक है। आर यू क्लियर टेल हियर? Yes, sir. ठीक है, that's all for today. Rest we'll talk in the next class. Okay, sir. Bye, thank you, sir. Thank you, sir. Bye, bye. Thank you, sir.